चलो, तो ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर जो है इसका जो है केन्स ने दिया था, एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि अगर आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, मान लो आपने 100 करोड़ रुपये लगाए, तो वो 100 करोड़ को ही नहीं बढ़ा रहा, वो जो है बढ़ा देगा, ये मल्टीप्लाई करेगी चीज़, और ये 300 करोड़ तक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मान लो मैं 100 करोड़ की मशीनरी ले आया और मैंने उसमें अब काम करना है, तो मैं उसमें काम करूँगा तो वो आगे और भी इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, तो 100 करोड़ का 100 करोड़ तो इससे मैं और भी पैसे कमाऊँगा, और जो मशीनों पे लोग काम करेंगे उससे भी उनको भी पैसा मिलेगा, तो ये मल्टीप्लाई आ रहे हैं, यानी कि एक बार का इन्वेस्टमेंट कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और वो 300 करोड़ में कन्वर्ट हो गया, यानी कमाई की, अर्निंग की, जो भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन वगैरह वगैरह किया, तो ये कितना हो गया? ये 3 गुना हो गया। ये क्या हो गया? 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 टाइम्स हो गया, और 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लायर है, 100 करोड़ लगाने पे 300 का फायदा होता है। तो अगर ये 3 मेरा मल्टीप्लायर है, तो अगर मैं लगाऊँ, मान लो किसी ने 20 करोड़ लगाया, तो मल्टीप्लायर अगर 3 है तो 60 करोड़ तक पहुँच जाएगा, या किसी ने अगर 80 करोड़ लगाया तो वो 240 तक पहुँच जाएगा। किसका इफेक्ट है? ये मल्टीप्लायर का इफेक्ट है। ठीक है, तो अभी काम कैसे करते हैं थोड़ा उसके बारे में देखते हैं, फॉर्मूला वगैरह चेक करेंगे कैसे बनता है, सब देखते हैं। चलो, तो देखें इसको समझे थोड़ा सा। और जैसे मान लो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि हमने 100 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्टमेंट किए, 100 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किए और 300 करोड़ का उससे प्रोडक्शन हुआ या इनकम हुई। ठीक है, 300 करोड़ की इनकम या प्रोडक्शन हुआ, तो ये क्या है? ये जो है ये इन्वेस्टमेंट है। अब मान लो पहले से भी तो कुछ होगा इन्वेस्टमेंट कंपनी में, पहले से कुछ पैसे लगा रखे होंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मान लो सपोज करो पहले से, अगर मान लो पहले से मान लो 150 करोड़ पहले के पड़े हुए हैं, मान लो सपोज करो पहले जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट है वो 150 करोड़ का था और इन्होंने जो है 100 करोड़ का और ले लिया, तो कितना हो गया? 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो ये चेंज हुआ ना, ये चेंज आया। ऐसे इनकम है, ये कह रहे 300 करोड़ हो गया इनकम, तो ये चेंज इन इनकम है। यानी मान लो सपोज करो अगर मान लो 150 करोड़ रुपये वो पहले से 400 करोड़ कमा रहे थे, तो ये 300 करोड़ और आ गए, कितने हो गए इनकम? 700, यानी 300 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये चेंज है, ये चेंज इनकम है। तो अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करूँ, तो मैं मल्टीप्लायर निकालूँ तो कितना आएगा? डेल्टा इनकम अपॉन में डेल्टा इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, मैंने 3 बोला था ना, तो 300 डिवाइड में 100, ये 3 मेरा मल्टीप्लायर आ गया। ठीक है, तो चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट रखें तो बाद मल्टीप्लायर निकल आएगा। एक तो ये हो गया पॉइंट मल्टीप्लायर के बारे में। चलो एक और देखते हैं, मल्टीप्लायर के लिए हम लोग के वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब ना एक ना एग्जांपल पकड़ते हैं। मानते हैं सपोज कर लो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करेगी? गवर्नमेंट सड़कें बनाएगी, हॉस्पिटल वगैरह बनाएगी। मान लो वो जो है 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये करती है। अभी जो 100 करोड़ रुपए हैं ये किनको मिलेगा? जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, जो प्रोडक्शन के लिए चीज़ें खरीदी जाएंगी, उन सब में जाएगा सारा का सारा पैसा। ठीक है, तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़, ये एक तरीके से क्या होगी? नेशनल इनकम होगी। ठीक है, ये एक नेशनल इनकम होगी, यानी लोगों को मिलेंगे पैसे। ठीक है, अब देखो जब इनकम होती है, किसी की भी इनकम होती है, तो वो जो इनकम होती है उसमें से क्या हम लोग सारे के सारे पैसे खर्च कर लेते हैं? नहीं, हम लोग उसमें से कुछ पैसा खर्च कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ पैसा हम लोग जो है बचा के रख लेते हैं, इसको हम लोग सेविंग बोलते हैं। तो मान लो सपोज करो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो है कंज्यूम करने की, जो कंज्यूम करने की जो इच्छा होती है, जो प्रोपेंसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो सपोज करो वो कहता है कि भाई जितना भी ये कमाता है उसमें 3/4 खर्च कर देता है, 3/4 या फिर इसको हम लोग 75% भी बोल सकते हैं।
ठीक है ना, 1/4 वो जो है सेविंग कर लेते हैं और बाकी 3/4 क्या करते हैं वो कंज्यूम कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये किसी को 100 रुपीज़ इनकम हुई, तो इसमें 75 रुपीज़ खर्च कर दिए, इसमें से क्या किया 75 रुपीज़ खर्च कर दिए। चलो नीचे बना लेता हूँ, 100 रुपये, 100 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्टमेंट किया था गवर्नमेंट ने, जो कि लोगों को मिला, उसमें से इन्होंने 75% रुपीज़ खर्च कर दिए कंज्यूमर गुड्स पे, कंज्यूम कर लिया कुछ भी, यानी खा पी लिया, उनको ख़त्म कर दिया। तो जब कोई बंदा अपना कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करता है, पैसा करता है, जैसे मान लो मैं अगर जो अपना 100 रुपये कमाता हूँ और 75 रुपये खर्च करता हूँ, तो मैं 75 रुपये दुकान वाले को दे के आऊँगा, ठीक है ना, 75 रुपये मैं दुकान वाले को दे के आऊँगा, तो 75 रुपीज़ मैं दुकान वालों को देगा, तो वो इनकी उनकी इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, यानी जो पहला इन्वेस्टमेंट हुआ था, पहला इन्वेस्टमेंट जो हुआ था गवर्नमेंट का, उसमें से 75 100, वो 100 रुपये लोगों को बांटे गए, लोगों की इनकम हो गई, उस 100 रुपये में से 25 रुपये रख के बाकी 75 रुपये लोगों ने जो है खर्च कर दिए। इसी तरीके से जब लोगों ने 75 रुपीज़ खर्च किए, तो ये 75 रुपीज़ किसी और को मिले होंगे, तो वो उनकी इनकम होगी, उसमें से वो लोग खर्च कर देंगे, ठीक है। तो 75 रुपीज़ का 75% कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 56.25, ठीक है ना, 56.25 रुपीज़ बन जाएंगे। अभी 56.25 रुपीज़ जो है वो ये जिनको 75 रुपये मिले थे वो खर्च करेंगे, और इसमें से 75% आगे खर्च करेंगे। तो ऐसे जो है ये सेविंग्स में नेशनल इनकम में लोगों के जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो 100 करोड़ लगाए थे गवर्नमेंट ने और कितनी हरी नेशनल इनकम बनती चली गई, यही चीज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला में देखते हैं, मार्जिन प्रोफिशिएंसी टू कंज्यूम को हम लोग MPCB कहते हैं। चलो तो फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा भी चेंज इन इनकम है 100 रुपीज़, 100 में से 75 रुपीज़ खर्च करेंगे आगे, 56.25 एंड सो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये हो गया 100 रुपीज़, ये क्या हो गया 100 रुपीज़ का 3/4, और ये क्या हो गया 100 रुपीज़ का 3/4 की पावर स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ेगी 100 रुपीज़ 3/4 की पावर 3 एंड सो, ठीक है। अब इसमें से मैं 100 कॉमन निकाल लूँ, तो 100 कॉमन आ गया, जो कि 1 + 3/4 प्लस 3/4, 3/4 की पावर 2 प्लस 3/4 की पावर 3 एंड सो। अगर आप इसको देखो तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी GP बन जाएगी, एक तरीके से GP बन जाएगी, ठीक है। दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल हो जाएगा, तो GP का बन जाएगा। अब GP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, GP के सम का फॉर्मूला था, ये नंबर जो कॉमन लिए इंटू में 1/1 ये जो नंबर चल रहा है, ये क्या चल रहा है 3/4, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 100 × 1/4 3/4 देखो चला जाएगा, तो जाएगा 100 × 400/3, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 3 × 3 3 × 1 3 1/33 3/33, ठीक है। अब इसको अगर इसमें से मल्टीप्लाई कर दें, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में, ये आएगा 1/4, ठीक है। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा टोटल 400, यानी कि 100 रुपये लगाने पर, 100 रुपये लगाने पर हमें टोटल जो इनकम जो है कितनी होती है 400 होती है, इनकम या प्रोडक्शन हमारा 400 होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अब मल्टीप्लायर निकालो, अब देखो फॉर्मूला बनाते हैं, ये क्या चल रहा है, डेली का इनकम चल रही थी, ठीक है। 100 क्या था हमारा, 100 जो था वो चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, इंटू में 1/1 MPC मार्जिन प्रोपेंसिटी से कंज्यूम था ना ये, ठीक है। अभी इधर आ गया Δy/Δi = 1/1 MPC, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला,
हम लोग के लिख सकते हैं, तो के इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी के फॉर्मूले से हम लोग जो है मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे ड्राई हुआ? दोबारा से देखें, दोबारा से देखते हैं। ये देखो, हाँ, ये 100 रुपये लगाए थे, 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, 100 रुपये लोगों को इनकम मिली, उस 100 रुपये में से लोगों ने 75 रुपये खर्च किए, ये 75 रुपये आगे लोगों को इनकम मिली, उस 75 रुपीज़ में 56.25 रुपीज़ खर्च किए तो आगे लोगों को इनकम मिली, और ऐसे जो है 75% सबको इनकम होती चली गई। ठीक है, फिर हमने इसको चेंज किया, ये 100 था, ये 75 क्या था, 100 का 3/4 था, ये 56.25 क्या था, 100 × 3/4 की पावर स्क्वेयर था, और ये इसके आगे जाएंगे वो 3, 4, 5 ऐसे पावर चलती जाएगी, तो हमारी जीपी बन जाती है। ठीक है, इसमें 100 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जीपी बन जाती है, और जीपी का सम जो होता है 1/1 माइनस एन होता है। ठीक है, तो ये उस वाले फॉर्मूले से हमारा जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया था, और उससे हमारा जो है कितनी इनकम टोटल जनरेट होती है 100 रुपये लगाए थे वो निकला। ठीक है, अब देखो ये इनकम आई थी चेंज, ध्यान देना जरा थोड़ा सा, ये इनकम आई थी चेंज, और जो इन्वेस्टमेंट करना था 100 का, तो 400 डिवाइड बाय 100 यानी मल्टीप्लायर क्या है 4। अब जो हमने जो फॉर्मूला निकाला है 1 माइनस एम पी सी वाला, देखो इसमें इसमें रख के देखते हैं, जो कि 1/1 माइनस 3/4। ठीक है, ये 4 इधर आ गया, या 1/1/4, ये 4 ऊपर चला गया, तो यानी कि 4, देखो मल्टीप्लायर 4 ही है, यही हमारा इस वाले फॉर्मूले से आया, यही वाला हमारा इस वाले फॉर्मूले से आया आंसर, और ये हमारा जो है इस वाले फॉर्मूले से आंसर आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है, 1/1 माइनस एम पी सी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ये किसने दिया, केन्स ने दिया था। देखो हमारी जो इनकम बनती है, हमारी इनकम बनती है कंजम्पशन और सेविंग को मिला। ठीक है, कंजम्पशन वाले को मैं लूँ तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगी, और सेविंग वाला हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग हो जाएगा, और दोनों को टोटल करके 100% होगा, 100% का हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के 100% होगी ना इनके इनके इनकम। ठीक है, अब अगर मैं एम पी एस का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, अब मैं अपने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखूँ तो मल्टीप्लायर था 1/1 माइनस एम पी सी, और 1 माइनस एम पी सी किसके एम पी एस के बराबर है, तो 1/1 एम पी एस के थ्रू भी जो है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ये दो तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, एक होता है 1/1 माइनस एम पी सी, और 1/1 माइनस एम पी सी एम पी एस के बराबर होता है, तो ये के इक्वल टू 1/1 एम पी एस भी बन जाता है। चलो इसको अभी इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस में मैंने एग्रीगेट डिमांड लिया है, और एक्स एक्सेस में मैंने नेशनल इनकम लिया। ठीक है, ये हमारी जो है इनकम का है 45 डिग्री, पता ही होगा 45 डिग्री का बनाते हैं हम लोग, ये हमारी इनकम का है जिसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन का है जो कि एमपीसी वाला है, ये 0.5 ले लेते हैं, एमपीसी इक्वल टू 0.5 50% है। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सी प्लस आई वाला, इसमें चेंज आता है, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो सी प्लस आई डैश हो जाता है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पर था। ठीक है, अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो ये नई लाइन आ गई एग्रीगेट डिमांड की, और ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन इनकम है। ठीक है, अब ये नया पॉइंट मैंने नीचे बुलाया, ये हमारी पुराना पुरानी नेशनल इनकम है, और इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से नए इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैंने नीचे बुलाया तो मेरी नई इनकम आ गई। ठीक है, यानी देखो इन्वेस्टमेंट में थोड़े से चेंज से इनकम में इतना बड़ा चेंज आया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर का है। मान लो ये वन इन्होंने चेंज किया 100, और यहाँ पर 400 की इनकम बढ़ गई है। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा मल्टीप्लायर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा सारा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है,